थे। ये युद्ध का नाम दिया है इसे, पर ये सही मायने में एक खेल है। हम जीवन के अनेक हिस्सों से डरते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हाँ, मन में उत्साह इतना रहता है कि घर अपने आप मिल जाए। अगर आप पूछेंगे कि क्या ये थोड़ा खतरनाक है, हाँ ये खतरनाक है। जब मुगल यहाँ पर राज करना चाहते थे और इसलिए बार बार हमले करते थे और मराठा अपने क्षेत्र को बचाना चाहते थे, तब उन्होंने देखा कि मुगल काफ़ी बड़े घुड़सवार सेना और बाकी हाथियों के साथ हमला करते थे। जो गुरिल्ला वारफेयर था वो इस तरह से हिंगोट की शुरुआत में उपयोग में आया, जब मराठों ने अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। वो अपनी टेरिटरी की रक्षा करने के लिए लगे हुए थे क्योंकि उनको अपना क्षेत्र बचाना था। धीरे धीरे ये हो गया कि भगवान का और उनका जो एक जो ट्रेडिशन है वो सब जुड़ गया। अब मैं इतना जानता हूँ कि इस परंपरा को बचाया जाना जरूरी है। और ये युद्ध का नाम दिया है इसे, पर ये सही मायने में एक खेल है जो आपस में हम लोग सहानुभूति से एक दूसरे की संतुष्टि में खेलते हैं। एक ऐसा खेल, एक ऐसी परंपरा जिससे गौतमपुरा का नाम पूरे भारत देश में आज पहुंच चुका है। तुर्रा दल गौतमपुरा का होता है और कलंगी रुणजी का। जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी में भी बटालियंस होती है, वैसे ही एक तुर्रा और एक कलंगी दल बनाया था जो उत्तरी सीमा की रक्षा ये करेंगे, पूर्वी सीमा की रक्षा ये करेंगे। साल के 364 दिन सभी साथ में रहते हैं, मिलते हैं, लेकिन 364 में एक दिन आता है जो पड़वा का दिन होता है, उस दिन इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए इस मैदान पर उपस्थित हो जाते हैं। हिंगोट युद्ध मैदान पर जनरली हमारे साथ घटनाएं होती रहती। कितनी बार हम लोग बहुत जोश से हिंगोट जलाने की कोशिश करते हैं, फेंकने की कोशिश करते हैं। अगर आप पूछेंगे कि क्या ये थोड़ा खतरनाक है, हाँ ये खतरनाक है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो क्या इसे बंद कर दिया ना जाना चाहिए? अगर बंद कर दिया जाना चाहिए तो फिर सबसे पहले बहादुरी के उन खेलों को बंद कर देना चाहिए जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे लोग बुल फाइटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन देशों ने उसको एक रोमांचक पर्यटन के क्षेत्र में टूरिज्म बना दिया है। बहुत आसान होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना, बंद कर दो कह देना, लेकिन उसको शुरू होने और यहां तक पहुंचने में सैकड़ों साल लगे हैं। आप इतनी आसानी से किसी के डीएनए में बसी हुई चीज नहीं निकाल सकते। हम भी उसकी रक्षा करने के लिए उतनी ताकत से लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से कि वो इस चीज को ज्यादा सेफ बनाए और इसको बड़े लेवल पे ले जाए और ये टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन जाए। पड़वा की सुबह से ही जब हम सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर के हमारे पूरे नगर के बड़े लोगों के पैर छूने निकल पड़ते हैं, उसके बाद गोवर्धन पूजा शुरू हो जाती है और उस वक्त जो ढोल मजारों की आवाज होती है, उस वक्त जो सभी के हाथ में हिंगोट होते हैं और सभी आसमान में हिंगोट छोड़ रहे होते हैं, तभी से हमारे अंदर उत्साह का संचार होना शुरू हो जाता है। और वही संचार कम ना होते हुए धीरे 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 जुलूस के रूप में हम मैदान पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक दूसरों पर हिंगोट छोड़ना शुरू कर देते हैं।
जब युद्ध समाप्त तो होता है उसके बाद सारे योद्धा एक दूसरे से गले मिलते हैं, फिर उसके बाद नाचते गाते हंसते खेलते घर की तरफ जाते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं तो हंसी मजाक करते हैं। हम एक क्रिकेट के युद्ध देखते हैं, लड़ाई देखते हैं, उसके बाद में दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिलाती है। दुश्मनी की भावना नहीं है इसके अंदर, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स स्पिरिट है।